प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनहितों से कोई सरोकार नहीं है। भुक्कल झज्जर में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस का संगठन खड़ा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश हाईकमान की तरफ से सभी जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, अब जल्द ही जिला और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस का चयन कर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस समय संगठन जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर संगठनात्मक एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम चाहेंगे जरूर कि नए हमारे अध्यक्ष बने हैं, अति शीघ्र वो हमारे जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करें, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करें। हमारी स्टेट की कार्यकारिणी है वो जल्दी बननी चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूती के साथ कार्य कर पाए। मैंने अध्यक्ष जी की स्टेटमेंट पढ़ी थी, उनका कहना है कि क्योंकि संगठन को बनाने की प्रक्रिया इस समय हमारी चल रही है, जब तक संगठन का गठन अभी फिलहाल के लिए तो ये टाइम गैप अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग जिलों में उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति की है, बहुत सोच समझ के मैं समझती हूँ ये किया होगा और हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी संगठन का गठन होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से चाहे पूरे देश भर की बात हो और चाहे प्रदेश की बात हो, ठीक है, ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से, केसेस के माध्यम से दबाव बनाकर तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से, यहाँ तक कि इनके विधायक भी दुखी हैं। आने वाले समय में मजबूत संगठन बनेगा और हम लोग मिलकर बहुत अच्छे ढंग से